शाम को 4:30 बजे के लगभग 4:30 से 5 के बीच में एक वीडियो वायरल होने की जानकारी हमें प्राप्त हुई थी। और जैसे ही हमको ये वीडियो वायरल की जानकारी प्राप्त हुई थी, वैसे ही हमने तत्काल इसमें कार्रवाई शुरू की और जो वीडियो को देख करके जो नाम प्रकाश में आए उन नामों को हमने तलाश किया, ट्रेस किया और ट्रेस करके उन सारे नामों का पता लगाया। पता लगाने के बाद में उनके विरुद्ध में थाना गंगा घाट में स्वयं पुलिस के द्वारा एसओ गंगा घाट के द्वारा हमने मुकदमा दर्ज करवाया है और इसमें 147, 354 का, 323, 504, 506 और आईटी एक्ट के तहत में उचित धारा में हमने अभियोग पंजीकृत किया है। और तब से लगातार हमारी पुलिस टीमें इनके गिरफ्तारी के लिए हम और हमारे एसपी साहब और इंस्पेक्टर, दो थानों की पुलिस लगा करके हम लगातार इनकी गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाए हैं, इनके घरों पर दबिश दे रही है। और उसी का परिणाम रहा है कि इसमें एक राहुल नाम का व्यक्ति जिसके द्वारा वीडियो बनाया गया था उसको हमारी पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है अभी। और एक मुलजिम जो इसमें आकाश नाम का है वह आकाश चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार करके 3 तारीख को गंगा पुलिस के द्वारा जेल भेजा जा चुका है। शेष सभी प्रकरणों के विरोध में हमारी टीमें लगातार दबिश दे रही है, हम पूरा इस पर सतर्क हैं, सजग हैं और किसी भी कीमत पर बक्सेंगे नहीं, इनको गिरफ्तार करेंगे, इनको सलाखों के पीछे भिजवाएंगे और कठोर से कठोर पैरवी करके इनको सजा दिलाने का कोशिश सजा दिलाएंगे, हर हाल में सजा दिलाएंगे। और उम्मीद है कि हम जल्दी से जल्दी इनको सभी को जितने भी शेष मूल्य में इनकी गिरफ्तारी करेंगे। कोई कोर कसर हमारी पुलिस इसमें उठा करके नहीं रख रही है, हम अधिकतम सजा दिलाएंगे और जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तारी करने का कोशिश करेंगे। हमें जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई हमारी पूरी सारी ताकत पूरे जिले की हम पुलिस को लगा करके इनको शिनाख्त कराए, इतने अल्पावधि में शिनाख्त करा करके, ये एक ही गाँव के रहने वाले हैं, गाँव बाबाखेड़ा, महिला का अभी पता नहीं चल पाया कि महिला कौन थी। हमें जब ये जैसे ही इनमें से एक जो राहुल मिल गया है उससे हम पूछताछ करके पता लगाने का कोशिश करेंगे महिला कौन की, घटना कितने कहाँ की है और कितने पुरानी है, इसके संबंध में अभी हमारी खोजबीन जांच पड़ताल जारी है।